हेलो, चलते मैच की तरफ। दोनों बल्लेबाज पहुंच चुके, गेंदबाज पहला ओवर लेके आए हैं देवेश सावंत। कल अच्छी गेंदबाजी देखने मिली थी इस खिलाड़ी की ओर से। पहला ओवर पावर प्ले का, पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार। स्ट्राइक एंड के ऊपर साई मांजरेकर, नॉन स्ट्राइक एंड पे सूरज मस्कर। पहली टीम जो क्वालिफाई हुई थी सोमजय श्रीवर्धन। चले पहला गेंद राइट है मोर्दो विकेट साई मांजरेकर के लिए। नो बॉल। हेलो, चले अंपायर ने नो दिया इस वजह से कि एक साइड में तीन ही फील्डर थे, चार पांच होना चाहिए। कल आप खेले हुए इस मैदान के ऊपर आपको पता है जो रूल है, एक साइड में चार खिलाड़ी और एक साइड में पांच खिलाड़ी कंपलसरी है। चले अंपायर ने नो करार दिया इस गेंद को। और पहले दिन से हम देख रहे हैं इस ग्राउंड के ऊपर एक साइड में चार खिलाड़ी एक साइड में पांच खिलाड़ी। चले अंपायर ज्यादा वक्त नहीं ले वहां पर।
नो बॉल करार दिया अंपायर ने, फ्रीट होगा अगला गेंद। इस गेंद पर विकेट मिला था लेकिन वो फील्डिंग इस ग्राउंड के ऊपर जो रूल है वो एक साइड कोई भी हो, ऑफ साइड लेग साइड चार और एक साइड में पांच, इस तरीके से खिलाड़ी होने चाहिए। अंपायर का फैसला आखिरी फैसला होगा। थोड़ी सी चूक होती है वहां पर, अगर फील्डिंग वो सही होती तो फिर ये विकेट मिलता। चलिए अगली गेंद, थोड़ी सी खराब गेंद इस बार, प्ले स्टंप के बाहर थी, अंपायर ने उसे वाइड करार दिया, वाइड प्लस 22। हाँ, फ्रेट कंटिन्यू रहेगा क्योंकि वाइड गेंद है ये, स्कोर 3 रन, एक भी गेंद हुआ नहीं है अभी। हाँ, इस बार अच्छा गेंद, टप्पा खाने के बाद नीचे की तरफ रहता हुआ, थोड़ा बल्ला घुमाया था वहां पर साई ने लेकिन कोई कनेक्शन नहीं बैटर बॉल का, डॉट बॉल। सेकेंड क्वार्टर फाइनल का मैच, जो जीतेगा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। हाँ, इस बार रुक गया वहां पर साई मांजरेकर ने, देखना है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए पहला चौका आता हुआ साई मांजरेकर कैप्टन। इस बार हवा में गेंद लेकिन नो मैन लैंड में गिरने के बाद जब तक फील्डर फील्ड करते वहां पर 1 रन पूरा कर चुके दोनों बल्लेबाज, दूसरा रन लेना चाहते थे सूरज लेकिन साई ने मना कर दिया, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर संख्या जाके पहुंचे स्कोर बोर्ड के ऊपर, 8 रन, 3 गेंदे हो चुके, आखिर के 3 गेंदे आना शेष। दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर, एक लॉन्ग ऑन मिड विकेट के बीच में एक एक्स्ट्रा कवर रखा है। इस बार भी सीरिशा में शॉट नो मैन स्लैंड में गिरा, सूरज अपने इनिंग का आगाज करते हुए 1 रन के साथ, 4 गेंदे हो चुकी है, आखिरी 2 गेंदे आना शेष। एक चौका लगाए साई मांजरेकर के बैट से, और ये अच्छा शॉट, देखना है गेंद 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से। हाँ, इस बार फटका फंसा है, फील्डर वहां पर मौजूद और कैच ड्रॉप हुआ है, आसान सा कैच था। फटका फंसा था कैप्टन साई मांजरेकर का लेकिन वो कैच ड्रॉप होने के बाद 1 रन पूरा किया, 1 रन के साथ स्कोर संख्या स्कोर बोर्ड के ऊपर 14 रन। कैच छोड़ा, ये कहीं मैच ना छूट जाए आपके हाथ से।
कैच छोड़ने के बाद हमने देखा बहुत रन बनते हैं। चौदह रन हो चुके हैं इस पहले ओवर की समाप्ति के बाद। अब थोड़ी सी चर्चा होती हुई नजर आ रही वहां पर। स्कोर है 14 रन पहली ओवर की समाप्ति के बाद। दूसरे ओवर लेके जिमाम जिमाम पंगारकर पहली गेंद करेंगे दूसरे ओवर की राइट आर्म ओवर द विकेट से साई के लिए। शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद फाइनली की दिशा में दो रन डिक्लेयर जोन में डिक्लेयर जोन है वहां पर सिर्फ दो रन मिले। दो रन के साथ स्कोर अप जाके पहुंचा है 16 रनों पे। हाँ इस बार फटका फंसा है इस बार क्या कैच होगा और इस बार कोई गलती नहीं की वहां पर। थैंक यू डीजे। इस बार लौटना पड़ेगा साई मांजरेकर कैप्टन को बैक टू द पवेलियन मिड विकेट के ऊपर कैच आउट होने के बाद 16 रन के स्कोर पे लगता हुआ है पहला झटका। एक मैच आपको ये मेहनत करना है और एक कदम और इस ट्रॉफी के करीब पहुंचोगे आप। अगर मैच हार जाओगे तो फिर अभी तक जितनी मेहनत की है उसमें पानी फिर जाएगा। ने देखा पिछला मैच हो एक गलती और मैच हरा रुद्र 11। चलिए जिमाम पंगारकर पहली गेंद पर चलता क्या है कैप्टन को। सॉरी पहली गेंद पे वो दो रन आए थे दूसरी गेंद पे आउट हुए साई पहला विकेट। हाँ इस बार भी हवा में गेंद पराखूत और बैक टू बैक विकेट। सिद्धांत गेते बल्लेबाजी के लिए और गोल्डन डक का शिकार। दो गेंदों में दो विकेट आ चुके हैं। हैट्रिक गेंद रहेगा जिमाम पंगारकर के लिए जिस तरीके से दो गेंदों में दो बल्लेबाजों को चलता किया है। इस बार थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ गेंद थी उसको हिट करना चाहते थे
लेकिन कैच आउट होने के बाद और बहुत ही अच्छा कैच वहां पर कैप्टन पराग खुद का, कीपिंग का काम अंजाम दे रहे अभी। दूसरा ओवर जो कि पावर प्ले का, तीन खिलाड़ी सर्कल के बाहर, मिड विकेट लॉन्ग ऑन, एक एक्स्ट्रा कवर रखा है। नितेश गए बल्लेबाजी के लिए, हैट्रिक गेंद, जिमा अंपंगार का राइट मोर द विकेट स्कूलन की जानिब से। अच्छा डिफेंस किया वहां पर नितेश ने, अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी आगे रखा था इस बार, डॉट बॉल। अच्छा ओवर अभी तक घट रहा है, जिस तरीके से जिमाम ने सिर्फ पहली गेंद पे दो रन आए, उसके बाद दो विकेट बैक टू बैक, 16 रन के स्कोर पे दूसरा विकेट गिरा। इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बाउंसर का प्रयास वहां पर, अच्छी गेंद, डॉट बॉल रहेगा ये भी, वन बाउंस अंपायर ने इशारा दिया है, वहां से इसके बाद बाउंसर देखने नहीं मिलेगा। आखिरी गेंद है, नितेश दो गेंदे खेली अभी तक, डॉट बॉल, आखिरी गेंद पावर प्ले की। इस बार फुल टॉस लाइन की गेंद थी, मिस किए वहां पर, नितेश जिस तरीके से अभी तक तीन गेंदे खेली, एक भी रन नहीं आया नितेश के बल्ले से। फुल टॉस बॉल था, इस गेंद पर शॉट आना चाहिए था, लेकिन पहले अपना बल्ला घुमा दिया था वहां पर, और डॉट बॉल के साथ इस ओवर को समाप्त किया है। क्या गेंदबाजी जिमाम की, पूरी तरीके से पकड़ बना के रखी अभी तक सफवान ऑटोमोबाइल ने, जिस तरीके से गेंदबाजी की। पहली गेंद में 14 रन आए थे, उसके बाद इस दूसरी ओवर की पहली गेंद पे सिर्फ 2 रन आए, और उसके बाद 2 विकेट और 3 गेंदे डॉट, 5 बिंदी गेंदे आई इसमें 2 विकेट के साथ, 16 रन स्कोर है अब 2 ओवर के समाप्ति के बाद, 2 विकेट गंवाने के बाद सोमजय श्रीवर्धन। यहां से थोड़ी सी बल्लेबाजी की रफ्तार को बढ़ाना होगा, एक अच्छा स्कोर, एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना होगा, कम से कम 75-80 रन। सूरज मस्कर अभी तक क्रीज पर मौजूद है। इस बार अच्छी गेंद, दिवेश आए गेंदबाजी के लिए, तीसरा ओवर लेके, और तीसरे ओवर का भी पहला गेंद डॉट के साथ शुरुआत हुई है। इस बार उठा के खेला है, देखना है क्या शॉट लगा है यहां पर, 2 फील्डर के बीच से गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। सूरज मस्कर के बल्ले से आता हुआ इस इनिंग का उनके पहला चौका, 3 गेंदे फेस किए, 5 रन बनाए सूरज ने। दिवेश पहली गेंद डॉट होने के बाद दूसरी गेंद पे चौका लगाया, स्कोर संख्या आप जाके पहुंचिए 20 रन पर। इस बार आड़े बल्ले से खेला है, इस बार मिड विकेट के ऊपर, क्या फटका फंसा और क्या ट्राई किया वहां पर, और ये छक्का होगा, वहां पर लाइनमैन मौजूद है। बहुत अच्छा प्रयास किया था वहां पर, देवेश सावंत है शायद मिड विकेट के ऊपर फील्डर, लेकिन पैर उनका जो लाइन पे गिर चुका था, लाइन के ऊपर से वो जंप की थी, जिसके बदौलत सिक्सर
परीक्षित तोड़न करे वहां पर, लाइनमैन का काम अंजाम दे रहे। अरे बहुत सही नजर वहां पर बिल्कुल फील्डर के ऊपर। 6 रन मिले सूरज मस्कर को, स्कोर छा पूछा अब 26। पराग खुद ने अब चर्चा की है दिवेश के पास। हाँ इस बार अच्छी गेंद, थोड़ी सी बैक ऑफ लाइन गेंद थी, स्क्वायर लेग की दिशा में जब तक फील्डर फील्ड करते दो और ये आउट, डायरेक्ट हिट। नितेश को लौटना पड़ा यहां पर डग आउट में, डायरेक्ट हिट। उस गेंद को कलेक्ट करना चाहते थे वहां पर दिवेश, लेकिन वो गेंद उनके हाथ में आई नहीं और सीधा विकेट पर जा लगी। अब बल्लेबाजी के लिए गए सामरान कारबारी। पहले दिन जिस खिलाड़ी ने अपना नाम कमाया था, जिस तरीके से बल्लेबाजी की थी, इस बार सूरज मस्कर पॉइंट के ऊपर सेट अप आया। गेंद को देखना है, वन बाउंस गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ स्कोर 31, 31 रन। महंगा ओवर आता हुआ है अभी तक, 15 रन आ चुके हैं। इस बार भी अच्छा शॉट है, इस बार भी गेंद है बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। अच्छे बल्लेबाजी इस ओवर में अभी तक किए सूरज मस्कर ने, जिस तरीके से 7 गेंदें खेली है, 20 रन बनाए अभी तक। पहले दिन ये टीम क्वालिफाई हुई थी, सोमजय श्रीवर्धन, उसमें बड़ा हाथ था ये दोनों खिलाड़ियों का, सूरज मस्कर और अभी सामरान कारबारी गए बल्लेबाजी के लिए। एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखने मिला था सामरान कारबारी का, इस तरीके से वो 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाए। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 35, 35 रन हो चुके हैं। आखिरी 3 ओवर अभी यहां से आना शेष है, 18 गेंदे बाकी है यहां से सामरान और सूरज मस्कर के पास। सामरान कारबारी अब पहली बार स्ट्राइक के ऊपर, 4th ओवर की पहली गेंद फेस करेंगे और गेंदबाज जिमाम के हाथ में गेंद थमाई है कप्तान पराग खोत ने। दूसरा ओवर जो किया था बहुत ही किफायती ओवर, राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद सामरान के लिए। शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी और गेंद जाएगी इसका लेग बाउंड्री के ऊपर से, ये 1 बाउंस 4 रनों के लिए। इस बार पुल किया था वहां पर और पुल सक्सेसफुल हुआ है। पिछले 3 गेंदों में 3 चौके आ चुके हैं, 3 में 12 आ चुके हैं पिछले। जिमाम का जो पिछला ओवर था, 5 बिंदी गेंदे और 2 विकेट अपने नाम किए थे जिमाम पंगारकर ने, लेकिन इस बार पहली गेंद पे हल्ला बोला है सामरान कारबारी।
और इस बार फटका फंसा है सामरान कारोबारी का, और जिमाम बंगारकर को एक और विकेट मिलती हुई यहां पर। विक्ट्री के ऑनर समी सोंडे भी यहाँ पर बो चुके, काफी खुश नजर आ रहे। टीम उनकी सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है, जिस तरीके से कल चिट्टियां उड़ाए गए थे उसमें वो नेम आया उनका और डायरेक्ट सेमीफाइनल में। सामरान कारोबारी एक बड़ा विकेट, तीन विकेट अभी तक अपने नाम कर चुके जिमाम बंगारकर। चार विकेट अभी तक खो चुकी है सोमजय श्रीवर्धन 39 के स्कोर पर। 39 रन बल्लेबाजी के लिए शुभम मांजरेकर। इस बार स्विच हिट खेलने की कोशिश, डॉट बॉल, एक एक डॉट बॉल। यहां से प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाएगा दोनों बल्लेबाजों पर, क्योंकि अभी तक स्कोर बोर्ड पे उतने रन लगे नहीं है, सिर्फ 39 रन है। चौथा ओवर चल रहा है, तीन गेंदे हो चुकी है। इस बार थोड़ी सी दिशा इन गेंद, अंपायर समीर बोरकर सर का इशारा आता है वाइट बॉल। इस वाइट के चलते स्कोर बोर्ड के ऊपर एक रन की बढ़ोतरी, स्कोर 40 रन ऑन अ बोर्ड। इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी, पुल किया वहां पर स्कोर लीग की दिशा में, लेकिन सिर्फ दो रन मिलेंगे, डिक्लेयर जोन है वहां पर। यहां से दोनों बल्लेबाजों का आखिर तक खेलना होगा, जिस तरीके से विकेट गिरे अभी तक सोमजय श्रीवर्धन के, चार विकेट 42 रन स्कोर है। यहां से थोड़े से बड़े हिट की तलाश करनी होगी। फिर से एक बार उसी दिशा में, स्कोर लीग की दिशा में फिर से एक बार दो रन, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंदबाजी हो रही है अब जिमाम पंगारकर की, लेकिन अच्छी गेंदबाजी रही है। इस ओवर में भी अभी तक सिर्फ 9 रन दिए और विकेट अपने नाम किए। आखिरी गेंद, 1 to go, फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद, इस बार फटका फंसा है, क्या कैच होगा वहां पर, शुभम मांजरेकर को लौटना पड़ेगा डग आउट में। बहुत ही अच्छा कैच, आधी टीम अब लौट चुकी है डगआउट में सोमजय श्रीवर्धन की। 5 विकेट गवा चुके अपने 44 के स्कोर पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। कुणाल सुतार जहां कहीं भी हो अपने ऑनर से कांटेक्ट कर ले, समी 11 विक्ट्री के प्लेयर कुणाल सुतार।
चले पांचवा ओवर लेके अरबाज अरबाज शेख परा खुद कुछ फील्डिंग में चेंजेस करते हुए। सूरज मस्कर अभी तक सात गेंदे खेली है, सूरज ने 20 रन बनाए, पिछले ओवर में स्ट्राइक मिला नहीं मुझे लगता है, या सिर्फ एक गेंद खेली। सूरज मस्कर को ज्यादा से ज्यादा यहां पर गेंदे खेलने होगी, 12 गेंदे अभी तक शेष है, दो ओवर का खेल बचा यहां से, जितनी ज्यादा गेंदे सूरज मस्कर खेलेंगे जब पहला गेंद गिरता है टाइम काउंट हो जाता है आपका, 30 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपका आखिरी ओवर का पहला गेंद नहीं गिरता तो पेनल्टी है, पहले दिन से हम देख रहे, और पिछले मैच में भी वो पेनल्टी दी थी अंपायर ने, फर्स्ट क्वार्टर फाइनल का जो मैच हुआ था रुद्र 11 और अध्या राइजिंग स्टार का, और रुद्र 11 मैनेजमेंट की टीम थी, मयूरेश मयेकर ऑनर, और इस बार थर्ड मैन की दिशा में प्रणीत कोसबे गए बल्लेबाजी के लिए, इस बार का रन आउट का चांस होगा, इस बार एक रन मिला, स्कोर जाके पहुंचा है 46 रनों के ऊपर। दो गेंदों पर दो सिंगल आया अरबाज के, अगला गेंद राइट आर्म राउंड विकेट स्कूलन की जानिब से सूरज मस्कर के लिए, इस बार भी फटका फंसा है लेकिन नो मैन्स लैंड में गिरी गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पर लेकिन दो रन से नहीं रोक पाए, दो रन मिलेगी यहां पर, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की। सूरज मस्कर प्रणीत गए बल्लेबाजी के लिए लेकिन एक एक दो दो रन से काम चलने वाला है नहीं यहां पर, कुछ बड़े हिट्स की तलाश करनी होगी यहां से, स्कोर अभी भी 48 रन। इस बार फटका फंसा, इस बार कैच हो सकता है और कोई गलती नहीं की वहां पर, थैंक यू डीजे। राहुल बक्कम गए बल्लेबाजी के लिए सूरज मस्कर के आउट होने के बाद, मैन फ्रॉम मानगांव। चार गेंदे हो चुके इस ओवर की, बहुत अच्छी गेंदबाजी रही अभी तक, टॉस जीता था, फील्डिंग का फैसला किया था और बहुत अच्छी गेंदबाजी, 48 रन स्कोर है। कम से कम यहां पर 70 रन की तरफ देखना होगा सोमजय श्रीवर्धन को, अभी 48 रन बन चुके, फाइटिंग टोटल तक पहुंचना होगा। इस बार भी अच्छी गेंद अरबाज शेख की, डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी की इस ओवर में, सिर्फ 4 रन दिए, एक विकेट लेने में कामयाब, अभी आखिरी गेंद है, 1-2 गो, स्कोर वहीं पे थमा हुआ 48 रन, 48 ऑन अ बोर्ड, 6 विकेट गंवाने के बाद सोमजय श्रीवर्धन। इस बार मिड विकेट की दिशा में राहुल बक्कम, एक रन के साथ इस पांचवें ओवर की यहां पर हुई है समाप्ति, स्कोर 49 रन।
आखिर के छह गेंदे अब एक ओवर का खेल बचा इससे पहले इनिंग का सेकेंड क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है। जो जीतेगा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। हमने देखा अध्याय राइजिंग स्टार आज का जो फर्स्ट क्वार्टर फाइनल हुआ सेमी प्रवेश कर चुकी है अध्याय राइजिंग स्टार। आखिरी ओवर जो था समीर शिवशिवकर का पूरा मैच बदल दिया। राजधार में आए गेंदबाजी के लिए, वहां से बाइक जो लगाई वो बाहर लगाई थोड़ी सी। हाँ इस बार अच्छा शॉट राहुल बक्कम का, गेंद बाउंड्री के बाहर, छह रनों के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से आता हुआ है शानदार सिक्सर। और इस बार भी अच्छा शॉट है, क्या कैच होगा, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर राहुल बक्कम बैक टू द पवेलियन। डीजे पहली गेंद पे शानदार सिक्स देखने मिला, उसी प्रयास में लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर शॉट को खेला था, लेकिन बहुत अच्छा कैच वहां पर रोहित दौलेकर का। कवर्स के ऊपर खड़े हैं, लॉन्ग ऑफ के ऊपर उस कैच को कंप्लीट किया। अब ऋषभ गए बल्लेबाजी के लिए, इस बार भी फटका फंसा है, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर जिमाम पंगारकर कोई गलती नहीं की है, बैक टू बैक विकेट संजय श्रीवर्धन के लिए। आठ विकेट अभी तक खो चुके हैं सोमजय श्रीवर्धन, स्कोर है 55 रन। इस तरीके से बल्लेबाजी होना चाहिए थी, हुई नहीं है अभी तक। सूरज मस्कर ने जरूर अच्छी बल्लेबाजी की, इस ओवर के पहली गेंद पे सिक्सर आया था, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक विकेट हैट्रिक गेंद। इस बार क्या कैच होगा, नहीं, नो मैन स्टैंड में गिरने के बाद एक ही रन पूरा करेंगे, एक ही रन से संतुष्ट हुआ वहां पर दोनों बल्लेबाज, एक रन के साथ अब स्कोर संख्या 56 पर। आखिरी दो गेंदे आना शेष, 2-2 गो, प्रणीत कोसबे स्ट्राइक के ऊपर, मैन फ्रॉम श्रीवर्धन। इस बार भी हवा में गेंद, इस बार फराक होते नीचे और विकेट, नौवा विकेट ये गिरता हुआ सोमजय श्रीवर्धन का, प्रणीत कोच में डगआउट में वापस। सिद्धेश गए बल्लेबाजी के लिए, सिद्धू
इस ग्राउंड पे काफी लंबे सिक्सर लगाते, देखना सिर्फ आखिरी गेंद है उनके पास। और ये अच्छा शॉट खेला है लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पर, और इसी के साथ ऑल आउट होती हुई टीम यहां पर सोम जयश्रीवर्धन 56 के स्कोर पर अपने पूरे 10 विकेट खो चुकी है। टॉस जीता बड़ा खुद ने गेंदबाजी का फैसला किया था, अभी तक बहुत कारगर साबित हुआ है, 56 रनों के ऊपर रोक दिया है सामने वाली टीम को। अब जीतना है यहां से तो 57 रन बनाने होंगे, 36 गेंदे मिलेगी आपको, जो जीतेगा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा, जो हारेगा उसको पूरा एक साल वेट करना पड़ेगा इस टूर्नामेंट का। अभी तक दोनों टीमें बहुत मेहनत करके यहां पर पहुंची है। चलिए 56 रन कम जरूर लगते हैं लेकिन हमने देखा यहाँ पर, हमने देखा 120 119 रन भी बनते हुए उसको चेस करते हुए, 115 114 रन भी बनते हुए देखे और 50 रन नहीं भी बनते हुए देखे, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट है, ये कभी भी अपना रंग बदल सकता है अगर अच्छी गेंदबाजी हुई, अगर वो विकेट इसी तरीके से चटकाए सोमजय श्रीवर्धन के गेंदबाजों ने तो कम बैक कर सकते हैं मैच में। अभी ये मैच खत्म हुआ नहीं है, मैच बाकी है, पूरे 36 गेंदों का खेल बाकी है यहां से, तो चलते हैं मचेस की तरफ। 36 गेंदों में चाहिए 57 रन। अब मैं लेता हूं यहां से राजा चेस के लिए, चलते हैं हरीश सर के पास। ओवर टू हरीश सर। धन्यवाद मारूफ। सोमजय श्रीवर्धन ऑल आउट होताना आपल्याला पाहायला मिळेल, 56 धावा ऑन स्क्रीन आपण पाहू शकतो, 36 चेंडू 57 धावांची गरज आहे, 60 ते 70 धावा या मैदानात खूप महत्त्वाच्या ठरतात, इथे धावा खूप कमी झाल्यात। एकही खेळाडू सेन्सिबल क्रिकेट खेळताना दिसला नाही, पण सेन्सिबल गोलंदाजी शिवाम पांगारकर असतील, सगळेच गोलंदाज ज्यांनी ऑन साईडला खेळण्यास फलंदाजांना मजबूर केलं। एकटा सूरज मस्कर दिसला की त्याला कळत होतं की या मैदानात कुठल्या दिशेला खेळलं पाहिजे, कुठल्या बाजूनी हवा आहे, बाकी एकाही फलंदाजाला ती स्ट्रॅटेजी समजली नाही, लक्षात आली नाही, सगळेजण ऑन साईडला षटकार मारण्याच्या नादात आऊट झालेत। जर ज्या धावा झाल्यात 57, त्यापैकी बऱ्याचशा धावा राहुल बक्कमचा एक लॉंगॉनचा षटकार सोडला तर सगळ्या धावा ऑफसाईडला झाल्यात, ज्या सूरज मस्करच्याच बॅटमधून आल्या होत्या। सामरान कारभारी फिल्टरला एक चौकार आल्यानंतर पुन्हा खराब स्ट्रोक त्यांनी खेळला। आउट स्विंगर जर गोलंदाज आहेत, बॅकफुटला जाऊन पॉइंट आणि कव्हर खेळले नाही। काल फहद कलबसकर पराग कोचची बॅटिंग आपण पाहिली, एकच एरिया एकच दिशा फेवर करून खेळत होते, मिस होत होते फटके, मिस टाईम होत होते, पण त्यांना माहिती आहे इथं ऑन साईडला खेळणे म्हणजे गुन्हा आहे, हे त्यांना कळत होतं। हीच स्ट्रॅटेजी फलंदाजी लाईनअप कॅप्टनच्या लक्षात का आली नाही सोमजय श्रीवर्धनसाठी, हे अनुत्तरित राहणारे प्रश्न आहेत। त्यामुळे धावा ऑनबोर्ड आपल्याला पाहायला मिळाल्या नाही, 56 धावा 57 धावांचं लक्ष आहे। फहद कलबसकर पराग खोत फलंदाजी मदार या दोन प्रारंभिक बॅटरवर असणार आहे। तर या स्पर्धेतील पहिला सेमी फायनल यानंतर आपण पाहणार आहोत। समी 11 विक्टरी निगडी, विपक्ष आध्या रायझिंग स्टार, दोन्ही कॅप्टनला सूचना असेल
इनिंग ब्रेक आहे, आपण येऊन टॉस करून घ्यायचा टॉस का बॉस मध्ये, विनंती असेल आपल्याला इनिंग ब्रेक मध्येच आपण टॉस करा प्लीज। स्पर्धेचे काही नियम शिस्त खेळाडूंनी पाळणे गरजेचं आहे। फहद आलम खानी आपण टॉस का बॉस मध्ये पोहोचा, टॉस करायचा आपल्याला सेमी फायनलचा। सत्तावन्न धावांचं लक्ष आहे सफवान ऑटोमोबाईल्स मजगावला। 36 चेंडू 57 धावा। गोलंदाजासाठी ऋषभ, स्ट्राईकला फहद कलवासकर। येस सर रेडी। ऋषभ पहिला बॉल फहद साठी, ऑन साइडला चांगला स्ट्रोक आहे, चेंडू चाललाय मिड विकेटच्या दिशेने, चार धावा येतील, चौकारणी सुरुवात। चौकारणी सुरुवात केली सफवान ऑटोमोबाईल साठी फहद कलबासकर, नांदगाव स्टार। जबरदस्त फलंदाजी त्याची आपल्याला पाहायला मिळते बऱ्याच वेळेस। ऑन साइडला बॉल जात नाही कसा, फहद सांगतोय हा पहा षटकार, जबरदस्त फलंदाजी। धन्यवाद डीचे। पहा हवेचं रूक आता शांत झालंय। सोमजय श्रीवर्धन जेव्हा फलंदाजी करत होते ऑन साइडला एकही शॉट क्लिअर होत नव्हता, यावेळेस फहद हुशार आहे, त्याला माहिती आता हवा थांबले, हवा कधी सुरू होईल, धावा करणे महत्त्वाचं आहे। सुरे गोलंदाजी डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न सुरतचा, चांगला प्रयत्न होता कारण डान्सिंग डाऊन द ग्राउंड आला होता फहद, पदल आलित्य इथं करण्याचा प्रयत्न होता पण यश आलं नाही फहदला। गोलंदाज ऋषभने ओळखलं, चेंडू थोडासा वाईडिश टाकला, पहिल्या दोन चेंडू 10 धावा आलेत। पराग जाऊन चर्चा करतायत फहदकडे। सोमजाई संघाला खुशखबर आहे, हा सामना जर विजयी केला तुम्ही तर संदेश तोडणकर यांच्याकडून 500 रुपयाचं विशेष पुरस्कार असेल। याही फटका क्षेत्ररक्षक पोहोचू शकणार नाही, हा जबरदस्त क्षेत्ररक्षण पण चेंडू फेकला सीमारेषेच्या बाहेरच, धावा मिळतील 4। धन्यवाद डीचे धीरज। फहद कलबसकर पहा जिथं क्षेत्ररक्षक नाही तिथे खेळतात, तुम्ही कव्हरचा क्षेत्ररक्षक काढलाय। आद्या रायझिंग स्टार आपण कॅप्टन पाठवायचा टॉस साठी। चौदा धावा आल्यात, चार चेंडूत ऋषभवर हल्ला चढवलाय फहद कलबासकर, रनअप मध्ये बिघाड, पुन्हा गोलंदाजी मार्क वर येतील, लेट बॉलचा इशारा समीर बोरकर सरांचा।
उदा धावा हा हा स्ट्रोक पहा काय क्लास खेळलाय क्षेत्ररक्षक होता कव्वर मधून हा षटकार प्रणय पुलेकर आता प्रचंड दबावात अजून फ्रेंड टेन्शन फ्री आहेत ते म्हणतात मॅच होईल इथून पण कॉन्फिडन्स आपल्या खेळाडूंवर वीस धावा पहिल्या षटकात आल्यात 57 पैकी 20 पहिल्याच षटकात आल्यात 31 चेंडू 37 अहो फटका चांगला आहे दोन धावा डिक्लेअर पहिला झडक संपते 22 धावा आल्या 30 चेंडू आता 35 धावांची गरज आहे फक्त आर्यन यावेळेस परागत स्ट्राईकला मध्ये बिघाड पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर यावं लागेल आर्यनला मॅच बॉडी लँग्वेज सांगते खेळाडूंची की ते मॅचमध्ये किती इन्व्हॉल्व आहेत धावा कमी झाल्या असल्या तरी मॅचमध्ये फाईट करणे खूप महत्त्वाचं असतं इथे तर असा कॉन्फिडन्स दिसत नाही सोमजा श्रीवर्धनच्या खेळाडूंकडून आर्यन मॅची काढा घेतले इथे पराकोत बाद होतील विकेट सुरू करून दिले आर्यरनी बावीस धावा सफन ऑटोमोबाईल्स पराकोत कॅप्टन शून्यावर बाद झालेत दिवेश सावंत फटका चांगला दिवेशचा वा क्लास पहिल्याच चेंडूवर षटकाराने खाते उघडले
धनवाडीचे आद्या रायझिंग स्टारचे कॅप्टन समी इलेवन विक्टरी निगडी. कॅप्टन प्लीज टॉस बॉक्स मध्ये पोहोचा. दुसरं षटक सुरू झाले. चांगली गोलंदाजी आर्यनची. कमबॅक डिलिव्हरी ते पाहायला मिळाली. धावा होत आहेत 28 गड्याच्या मोबदल्यात. कमबॅक करावं लागेल आर्यनला. विकेट घ्यावी लागतील, निर्धाव चेंडू टाकावे लागतील जर सोमदास सिवर्धनला मॅचमध्ये आणायचं असेल तर. आर्यनवरती मदार आहे गोलंदाजीची. पहिला षटक ऋषभचं मात्र महागडं ठरलं. 22 धावा गेल्या. हा सुरेख गोलंदाजी, पण वाईट बॉलचा इशारा ते पंचांचा. उजव्या हट्टीच्या बाहेरचा चेंडू. स्लोवर वन आर्यनचा पीक केलाय जिथे क्षेत्ररक्षक नाही आहे. चेंडू सीमारेषा पार, चौकार. धन्यवाद डीचे धीरज. अमोल चादव यांनी स्वरबद्ध केलेलं, स्वतः गायलेलं आणि संगीतबद्ध केलेलं कोळीगीत आपण ऐकत होतो. आज जबरदस्त आहे तिचा डोंगर. बळी आपण एकदा मॅचकडे. 33 धावा, दुसरं षटक. आर्यन बेस्टसाठी एकदा इथे सहज घेतली जाईल. क्षेत्ररक्षक येतात चेंडूवर. धावसंख्या होती 34. 25 चेंडू जाता, 23 धावांची गरज आहे. अर्थात चेंडू आणि धावा यामध्ये आता दोन चेंडू जास्तीचे आपल्याला पाहायला मिळतात. 25 बॉल, 23 रन. आद्या रायझिंग स्टार्स कॅप्टन. डॉट बॉल 24 बॉल 23. लास्ट कॉल असेल इनिंग. हे षटक संपल्यानंतर टॉस केला जाईल. षटक संपले टॉस साठी. या दुसरं षटक संपले. फद आलम खानी पोहोचले. राहुल कांबळे आपल्याला पोहोचायचं आहे, लक्षात घ्या. दुसरं षटक संपले. मधल्या इनिंग मध्ये टॉस होतोय इथे. साई स्वतः गोलंदाजीवर. कॅप्टन साई मांजरेकर. 24 चेंडू 23 धावा रोखायचे आहेत, कठीण काम आहे. पहिला फटका खूप चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, पण त्याच्या डोक्याच्या वरून षटकार. साई गॅठीच्या बाहेर वाईड बॉलचा इशारा. धावसंख्या होते 42. चाळीस धावा.
फटका बसला दिवेज ऐसी क्षेत्र रक्षक है चेंडू ऐसी खाली सिद्धेश्वर तोड़न कार्टीप्लाय जेल संपला खेल दिवेज सवन बाद डीजे थैंक यू डीजे डीजे थैंक यू चला टॉस साठी या दोन्ही कैप्टन टॉस बॉक्स खाली करा सपन ऑटोमोबाइल्स खेळाडूंना विनंती आहे टॉस बॉक्स खाली करा प्लीज टॉस बॉक्स खाली करा टॉस तिथे केला जाईल प्लीज मंगेशजी मांद्रेकर यांना विनंती आहे त्यांनी टॉस करायचा पुढील मॅचचा भंडारी समाज अध्यक्ष हेड चा कॉल आहे राहुल विक्टरी संघाने नाणेफेकी जिंकल्या क्षेत्ररक्षण स्वीकारले समी इलेवन विक्टरी उस्मान गोल्टे डावकरा फलंदाज 22 चेंडू 16 धावांची गरज आहे आता हेलिकॉप्टर उडवलाय पण सांबरा नाही चेंडूच्या खाली झेल टिपलाय सीमाम पांगारकर स्ट्राइकला आहेत पुन्हा एकदा वाईट बॉल उजव्या अष्टीच्या बाहेर खराब गोलंदाजी इथे साई मांजरेकरची धावसंख्या आहे 42-57 धावांचं लक्ष 21 चेंडूत 15 धावांची गरज आहे 21-15 हे अवघड काम आहे आता सोमजाय श्रीवर्धनसाठी तर फुलटास क्षेत्ररक्षक सांबरा वीस चेंडू 14 धावांची गरज फटका चांगला पळचा क्लास चेंडू सीमारे शपार षटकार कड़ा घेतले एक धाव अर्धशतक पूर्ण होते सपन ऑटोमोबाइल्स 50 धावा 3 षटकाच्या नंतर अठरा चेंडू 7 धावांची गरज आहे
मोहम्मद असलराई सोंडे यांच्याकडून खुशखबर आहे। फहद कलबसकर यांना 500 रुपयाचा पारितोषिक, 29 धावांवर खेळतात ते, 27 प्लस केले असते तर 500 रुपये होतेच। आता ते 29 धावांवर खेळत आहेत, 9 चेंडूंचा सामना केला आहे। सामरण कारभारी, नो बॉलचा इशारा आलाय आणि चेंडू चाललाय ऑफ साइडला कव्हर मधून, षटकार, सामना जिंकलाय सफवान ऑटोमोबाईल्सनी।